इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर सहारा रिफंड पोर्टल पर आपने अप्लाई किया है और अप्लाई किए हुए 45 डेज यानी कि 45 दिनों के से ज़्यादा हो गया है तो अभी तक अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं या किसी तरह से आपको सूचना नहीं मिला है तो एक बार आप अपना मोबाइल चेक कर लीजिए। मैसेज बॉक्स में जाइए और मैसेज बॉक्स को चेक कीजिए कि आपको सहारा रिफंड पोर्टल की तरफ से कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आया होगा, क्योंकि लोगों को जिनके पैसे नहीं आए हैं उनके पास मैसेज आ रहे हैं जो मैसेज इस तरह से हैं जो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, जिन लोगों ने 45 दिन पहले सहारा रिफंड पोर्टल पर अप्लाई कर दिया था और उनके अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं आए हैं और 45 दिन हो गए हैं, तो उनके मोबाइल नंबर पर जो उन्होंने मोबाइल नंबर अप्लाई करते वक्त आधार के साथ दिया था, वो मोबाइल नंबर जो उनका आधार में लिंक था और उसी के थ्रू जो OTP आया था, OTP डालने के बाद आधार विवरण आया था, आधार विवरण मतलब कहने का मतलब है कि पूरा प्रोसेस जो था सहारा रिफंड पोर्टल पर जिस मोबाइल नंबर से उन्होंने किया था उसी मोबाइल नंबर पे उनके पास मैसेज आ रहे हैं। आपको हम मैसेज पढ़ के सुनाते हैं क्या मैसेज आते हैं। योर क्लेम अप्लीकेशन नंबर, जो नंबर होता है वो दिया हुआ है, डेट किस डेट का है और अकाउंट नंबर और रिसिप्ट नंबर लिखा हुआ रहता है, तो जिस डेट में आपने अप्लाई किया था वो डेट रहेगा और एप्लीकेशन नंबर रहेगा, और फिर उसके बाद सोसाइटी का नाम रहेगा, जैसे जैसे कि हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी है कोलकाता लिखा हुआ, हैज सम डिफिशिएंसी डिटेल में काइंडली बी चेक्ड बाय द लॉगिन ऑन द पोर्टल। तो इस तरह से मैसेज आएगा कि आपका जो है स्वीकृत नहीं किया गया है, जो आप एप्लीकेशन जमा किए थे वे स्वीकृत नहीं किया गया है और इसके लिए कृपया करके आप लॉगिन करें, अपना पोर्टल पर जाके जो आधार नंबर से था वो लॉगिन करें मोबाइल नंबर डालने के बाद, और वहां पे जो डिटेल आपको दिया गया है उसको एक बार पढ़ लें। तो इस तरह के मैसेज आ रहे हैं, तो अगर आपके भी पैसे नहीं आए हैं तो एक बार आप चेक कर लीजिए, अपना पोर्टल पर जाइए और पोर्टल पर जो आप एप्लीकेशन नंबर होते हैं उसको रख लीजिए और वहाँ चेक कीजिएगा मोबाइल नंबर डालने के बाद, आधार कार्ड डालने के बाद, और जो मैसेज बॉक्स में जाइएगा, मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइएगा और जो सहारा की तरफ से मैसेज आ रहे थे उसी में आपको आए होंगे, तो मैसेज बॉक्स को अपना एक बार चेक कर लीजिए कि क्या आए हुए हैं। अगर आए हुए हैं तब तो आप समझ जाइए कि आपका फॉर्म जो है ये किया गया है कि हाँ किसी कारण से रोका गया है, तो ये है इसी कारण से आपके पास पैसे नहीं आए। तो एक बार अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर चेक कर लीजिए कि आपके पास अगर पैसे नहीं आए हैं, अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं तो मैसेज ज़रूर आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, लोगों में शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।